हैं कि सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स, सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स क्या होता है? कभी कभार आपने देखा होगा कि रोड्स स्ट्रेट जा रही होती हैं, कहीं के अंदर मोड़ आता है, यू मतलब घूमता है, ठीक है। तो उन केसेस के अंदर हम कैसे एनालाइज करते हैं उन चीज़ों को, फोर्स बैलेंस वगैरह कैसे होता है? सबसे पहले तो बाय फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे कोई भी सर्कुलर, कोई भी गाड़ी जा रही है, एक कार है वो जा रही है, वो एक सर्कल पे टर्न करती है ऐसे। तो अब जब सर्कल पे टर्न कर रही है, तो आपको पता है कि जब सर्कल पे टर्न करती है किसी भी वेलोसिटी से जा रही हो, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन उसकी तरफ इन्वॉल्व हो जाती है उस केस के अंदर, जैसे ही सर्कुलर आता है थोड़ा भी। अब हम मानते हैं कि सपोज करो ये इसके अंदर हल्का सा टर्न है, ये एक रोड है, इसके अंदर हल्का सा टर्न है, बट उसका कुछ उस जब भी वो हल्का सा टर्न होगा तो उसका एक रेडियस बन जाएगा, मतलब एक पूरे सर्कल का एक तरह से वो एक पार्ट बन जाएगा। यहाँ से लेकर सपोज करो यहाँ तक एनालाइज कर लिया, और इसके पहले सीधा था, लेट अस से कि कुछ रोड ऐसी है, ठीक है, ये यहाँ से आ रही थी सीधी और यहाँ पे हल्का सा सर्कल था और फिर इसके बाद ये सीधी निकल गई। तो ये जो पार्ट है ये ए से बी के बीच में, ये एक सर्कल का पार्ट है। अब इस सर्कल के पार्ट के लिए इसका कुछ रेडियस होगा, इसका रेडियस कितना होगा? अगर हम इसके इसके टेंजेंट नॉर्मल के अलोंग जाएं, तो यहाँ पे जो मीट करेगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये इसका इस कर्वेचर का रेडियस हो जाएगा। अब जब हम किसी रेडियस किसी सर्कल पर जा रहे होते हैं, अब सपोज करो इस यहाँ पर एक गाड़ी है, इसकी वेलोसिटी वी से जा रही थी, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि इसकी कुछ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आ जाएगी। वो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इतनी होगी, हमको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जनरली होती है एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब ओमेगा की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पे, तो वी बाय आर होती है, आपको मैंने बताया हुआ है वी इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो उससे वी की अगर हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू डालें तो ये आ जाएगी एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये आ गई आपकी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए, अब सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होती है तो वो एक तरह से उसको बाहर फेंकने की कोशिश करेगा क्योंकि सर्कुलर के अंदर मूव कर रहा है, बट उसको बचाने के लिए हमारे पास क्या कौन सी फोर्स होगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होनी चाहिए? ये हमेशा इस वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, वरना ये ऑफ रोड हो जाएगा और ये स्लिप कर जाएगी हमारी गाड़ी, हम जा रहे होंगे तो, ठीक है। जैसे भी आप देखते हैं, अगर हम आइस के ऊपर चलें तो हम अच्छे से मुड़ नहीं पाते, हम सीधे चल पाते हैं बट मुड़ नहीं पाते। क्यों नहीं मुड़ पाते? क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन बहुत कम होती है, आइस के अंदर आपको पता है फ्रिक्शन बहुत कम होती है, तो हमको मुड़ने में प्रॉब्लम आती है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो है हमारी मैक्सिमम, इससे जो ये हमारी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की वो आई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आई, ये हमेशा इससे कम होनी चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा हो गई, हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गई, तो हमारी जो गाड़ी है वो स्लिप कर जाएगी, ठीक है। तो अब हमारी ये लिमिटिंग कंडीशन आ गई कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमेशा इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो उससे हमारी म्यू की वैल्यू आ गई। तो जब भी अगर किसी भी गाड़ी को हम अगर वी वेलोसिटी से भेज रहे हैं किसी भी रोड पर, और वो सर्कुलर ट्रैक है और उसका रेडियस हमको डिफाइंड है, तो मिनिमम हमारी इतनी वैल्यू होनी चाहिए, वी स्क्वायर बाय आर जी हमारे कोफिशेंट फ्रिक्शन होना चाहिए ताकि वो स्लिप ना करे। या फिर अगर कोई भी रोड पे गाड़ी जा रही है तो उस रोड की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, इससे ज़्यादा अगर जाएगी तो वो गाड़ी स्लिप कर जाएगी। कभी भी आपने देखा होगा, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और उसमें कुछ टर्न आता है, तो हम क्या करते हैं, गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो करते हैं ताकि वो स्लिप ना करे या इधर उधर मूवमेंट ना हो, गाड़ी कंट्रोल में रहे। तो वो हमको वेलोसिटी क्यों रिड्यूस करनी पड़ती है? क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन हमारी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हम उसको कंट्रोल कर सकें, तो हम क्या करते हैं, गाड़ी की वेलोसिटी कम कर देते हैं। उस वेलोसिटी कम करने से क्या होता है, हमारी गाड़ी कंट्रोल में आ जाती है। अब हम आते हैं इसके बी पार्ट के ऊपर। अगर सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स है तो उसके अंदर एक और बचाने का तरीका है गाड़ी को, बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है कि एक्चुअली क्या करते हैं, जब भी सर्कुलर टर्न कोई गाड़ी कोई सर्कुलर टर्न ले रही होती है, जैसे गाड़ी है ये यहाँ पे जा रही थी और इट्स गोइंग लाइक दिस, तो ये क्या करते हैं, जैसे सपोज करो ये हॉरिजॉन्टल रोड है, इसको थोड़ा सा उठा देते हैं, तो ये रोड जो होती है हमारी ऐसे जा रही होती है। आपने कई जगह देखा होगा हाईवे पे या जहाँ पर भी हाई स्पीड होती है गाड़ियों की, वहाँ पर जनरली क्या करते हैं, जब भी सर्कुलर टर्न आता है आप देखेंगे गाड़ी को थोड़ा बैंक कर दिया जाता है या उठा दिया जाता है। तो उस केस के अंदर क्या होता है,
जो फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन को ये बैंकिंग बहुत हेल्प करती है, अलॉन्ग विद द फ्रिक्शन ये सर्कुलर टर्न लेने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो इस केस के अंदर क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम कि अभी एक रोड है जो बैंक करी हुई है थीटा एंगल से, ठीक है, ये रोड है, इसको थीटा एंगल से बैंक कर दिया या उठा दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो अब इसके अंदर क्या है कि फ्रिक्शन अभी मान लेते हैं कि जीरो है, फ्रिक्शन कोई है ही नहीं, तो उस केस के अंदर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसके परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, एम जी फोर्स नीचे, और अब क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है तो वी स्क्वायर बाय आर हमारी जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है वो होगी, ठीक है। तो जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगी इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, इस जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर इसको बनाएं तो ये क्या आएगा, यहाँ पर एन साइन थीटा, और ऊपर के केस में आएगा एन कॉस थीटा, ठीक है। तो एन साइन थीटा और एन साइन थीटा की वजह से कुछ एक्सेलरेशन है विच इज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ये आ गई एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और एन कॉस थीटा अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर देखें तो एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। अब इन दोनों को अगर हम वन और टू को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, टैन थीटा इज इक्वल्स टू एम से एम चला जाएगा वी स्क्वायर बाय आर जी। तो अगर हमने क्या करा है कि कोई भी रोड डिज़ाइन करी हुई है जिसके अंदर फ्रिक्शन जीरो है तो उसके अंदर हम कितनी बैंकिंग करेंगे, अगर सपोज करो कि हमने लिमिट लगा दी कि एक रोड के ऊपर आप इतनी स्पीड से ज़्यादा नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहिए विच इज़ नॉट सेफ, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम टैन थीटा मतलब जैसे वी की वैल्यू हमने कुछ भी डाल दी तो हमको इतनी बैंकिंग मिनिमम करनी पड़ेगी, अगर हम इससे कम करते हैं तो गाड़ियाँ स्लिप होनी स्टार्ट हो जाएगी इस वेलोसिटी पर, ठीक है। अब ऐसे हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली, अगर कुछ बैंकिंग है और हमको लिमिट पुट करनी है, हमने कुछ ऑलरेडी रोड बना दी और उसकी हमने बैंकिंग कर दी तो हमको ऑलरेडी अब वेलोसिटी की वैल्यू देखनी है कि कितनी लिमिट जोन के अंदर मतलब आप सेफ हैं, तो उसकी वेलोसिटी ऐसे कैलकुलेट हो जाएगी और आप लगा देंगे। अगर आप देखें तो क्या होगा कि अगर स्लिपिंग भी स्टार्ट होती है, जैसे रोड ऐसे बैंक्ड है और गाड़ी ऐसे जा रही है, अगर वो V से ज़्यादा भी जाती है तो क्या होगा कि स्लिपिंग की वजह से ये गाड़ी बाहर की तरफ मूव करने लग जाएगी, ठीक है। अब बाहर की तरफ मूव करने का मतलब क्या हुआ कि जो उसका रेडियस है, दिस वैल्यू इंक्रीजेस, मतलब अगर जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक ये रोड है और इसका सेंटर इन दोनों का यहाँ पर था, ठीक है ना, एक मिनट होल्ड कर, दो अब इस इक्वेशन से हमको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है, या फिर अगर आप देखें भी अगर जनरली हमारी रोड ऐसी है, ठीक है, तो ये हमारी रोड है तो इसके अंदर क्या है कि सपोज करो गाड़ी यहाँ पर है, यहाँ से जा रही है, अब इसके अंदर कुछ स्लिपिंग होती है तो स्लिपिंग कहाँ पर होगी, स्लिपिंग करने की वजह से गाड़ी को क्या होगा, अगर स्लिप भी करती है तो लेट अस सपोज कि गाड़ी यहाँ पर आएगी, स्लिप करेगी तो रोड से इधर की तरफ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो जब बाहर की तरफ गई तो इससे क्या हुआ, इसका भी जैसे इन दोनों का ये R1 है, ठीक है, और ये R2 है, तो क्या हुआ कि जो इसका रेडियस है वो बढ़ गया, मतलब हमारी स्पीड ज़्यादा थी, इस स्पीड को एकोमोडेट करने के लिए क्या हुआ, जो आर रेडियस है वो बढ़ गया, ठीक है। लेकिन हम लिमिट जो डालते हैं वो इसलिए डालते हैं कहीं ये रोड से बाहर ही ना निकल जाए, मतलब रेडियस अपने आप बढ़ना चालू हो जाता है, ये एक्चुअली नेचर का लॉ है, ये नेचर से सब कुछ ड्राइव हुआ है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप देखें कि जो नेचर है वो खुद ही इस इक्वेशन को फॉलो करता है, मतलब अगर स्लिपिंग हो रही है, मतलब स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, स्लिपिंग हो रही है बाहर की डायरेक्शन के अंदर, आगे तो गाड़ी जा ही रही है, स्लिपिंग हो रही है बाहर की डायरेक्शन के अंदर, अब उससे क्या होता है, अपने आप ही रेडियस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है स्लिपिंग की वजह से, तो रेडियस बढ़ता है, ये बाहर की तरफ आ जाती है और इतनी वैल्यू हमारी एकोमोडेट हो जाती है। अब जब हमको सेफ लिमिट डालनी होती है तो सेफ लिमिट हमको इतनी डालनी होती है कि ये इसके बाहर ना चले जाए अपने आप ही। सी केस देखते हैं जिसके अंदर इसको हम एनालाइज करेंगे, जिसके अंदर हमारी जो रोड है वो बैंक्ड भी है, मतलब बैंकिंग भी हुई है और फ्रिक्शन भी है, जो हमारे एक्चुअली प्रैक्टिकल केसेस में आजकल होता है जनरली नॉर्मल केसेस के अंदर। तो हम उसके अंदर क्या होगा, लेट अस से कि जो बॉडी है वो ऐसे एक वेज पर पड़ी हुई है, तो जो वेज है वो बैंक्ड है, ठीक है। तो अब एक कोई बॉडी रेस्ट पर है, मतलब मान लीजिए जो हमारी कार है अभी रेस्ट पर है और एक बैंक्ड रोड पर है, तो उस केस के अंदर क्या होगा
उसके इसके अंदर एनालाइज करते हैं, जैसे एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर के डायरेक्शन में, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर पड़ी है तो ये जैसे पड़ा है, ठीक है, ये ऐसे पड़ा है तो ये नीचे मूव, इसकी टेंडेंसी होगी मूव करने की नीचे की तरफ, लेकिन ये फ्रिक्शन की वजह से मूव नहीं कर पाएगा, तो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो इसके ऊपर ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन लग रहा होगा तो ये नीचे नहीं मूव कर पा रहा अगर गाड़ी खड़ी है, तो उस केस में क्या होगा, एन साइन थीटा, मतलब अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में देखें और बैलेंस करें इक्वेशंस को, तो एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा दिस इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन जीरो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, और ऐसी वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर एन कॉस थीटा ऊपर के डायरेक्शन के अंदर प्लस एफ साइन थीटा, एफ इसका यहाँ पे कॉम्पोनेंट ऊपर के डायरेक्शन के अंदर, दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज बैलेंस्ड बाय एम जी। अब अगर हम देखें कि ये जो सपोज करो ये हमारी कार है, ये कार इसको हमने कुछ वेलोसिटी दे दी इस डायरेक्शन के अंदर, तो क्या होगा कि जो हमारी अब ये सर्कुलर ट्रैक है, तो सर्कुलर ट्रैक के अंदर क्या होता है, अगर कोई भी सर्कुलर ट्रैक होता है और वो बैंक्ड होता है तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन आ जाती है, एक्सेलरेशन जो आती है वो होती है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, वो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कितनी आएगी, वी स्क्वायर बाय आर। तो अब जो ये इक्वेशन है हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, हॉरिजॉन्टल में एक एक्सेलरेशन आ गई एम वी स्क्वायर बाय आर, तो इसको इक्वेट कर दिया इस फोर्स को। अब हमने देखा कि जरा सी हमको वेलोसिटी देने में, वेलोसिटी अगर हम इस डायरेक्शन में दे रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर राइट हैंड साइड पे जीरो की जगह कुछ टर्म आ रही है। अब वो टर्म कैसे आती है, मतलब क्योंकि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये चीज़ें सेम है, सेम नहीं इन द सेंस की ये चीज़ों में कुछ चेंज आया होगा। अब वो चेंज कैसे आया होगा, अब जैसे ये यहाँ पे माइनस टर्म है तो या तो ये वाली टर्म कम हो गई होगी उसकी वजह से, जैसे यहाँ पर है ये वाली टर्म अगर कम कर दें हम तो राइट हैंड साइड पे कुछ वैल्यू आ जाएगी, जैसे अगर जीरो था तो लेट अस से कि ए केस के अंदर थ्री माइनस थ्री है दिस इज इक्वल्स टू जीरो। अब अगर हम इसकी वैल्यू को कम कर दें, जैसे थ्री माइनस टू कर दें तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आ गई, तो वो आ गई एम वी स्क्वायर बाय आर। इस तरह से एनालाइज करने का बस तरीका है, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या हुआ, या तो f कम हुआ होगा, f cos क्योंकि थीटा तो सेम है तो f की वैल्यू कुछ कम हुई होगी, या फिर जो n की वैल्यू है ये कुछ बढ़ी होगी, मतलब 3 माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो अगर हम कहें और यहाँ पे करते 4 माइनस थ्री दिस इज इक्वल्स टू वन, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये भी कुछ एक केस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि 4 माइनस टू इज इक्वल्स टू टू, ठीक है, क्योंकि उस केस में क्या हो सकता है कि n की वैल्यू बढ़ भी सकती है साथ साथ और f की वैल्यू डिक्रीज भी कर सकती है। बट अगर हम देखें, अब हमको देखना है कि इन तीनों केसेस में से क्या हुआ है, तो क्या है कि हम देखते हैं एक इक्वेशन, ये सेम रहती है इक्वेशन दोनों केसेस के अंदर, उसके अंदर क्या है n cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। अब क्योंकि राइट हैंड साइड भी सेम है तो अगर चेंजेस आएंगे n और f के अंदर तो इतने होने चाहिए कि एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर दें, तो उनको कॉम्पनसेट कब करेगा, अगर हम देखें कि अगर हम पहले केस में माने कि f की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो इस इक्वेशन पे क्या असर पड़ेगा, f की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे भी कुछ वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए लेकिन ये वैल्यू सेम है। अब अगर दूसरे केस के अंदर देखें n की वैल्यू बढ़ गई, अगर n की वैल्यू बढ़ गई तो ये वैल्यू भी बढ़नी चाहिए लेकिन वो भी सेम है। तो थर्ड केस जो हमारा बचा उसके अंदर क्या हो रहा है कि n की वैल्यू बढ़ रही है और f की वैल्यू कम हो रही है, तो ये इतनी बढ़ रही है और इतनी कम हो रही है कि mg सेम आ रहा है। तो इस केस में हमने मान लिया, हमको पता चल गया कि हमारा क्या हुआ होगा, n जो है वो इंक्रीज करा होगा और f डिक्रीज करा होगा। इसका मतलब क्या है, हम जैसे ही वेलोसिटी बढ़ाते हैं किसी भी गाड़ी की तो उस केसेस में क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है ये बढ़ जाता है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। अब इसका एक इम्प्लीकेशन है कि सपोज करो हमने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी, हम वेलोसिटी बढ़ाए जा रहे हैं गाड़ी की, तो वो इतनी बढ़ गई कि एफ जीरो हो गई एक मोमेंट पर आकर, जो हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट कम्स आउट टू बी जीरो, और फिर हम उसके बाद भी बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या होगा, ये डिक्रीज क्या होगा कि जो अब जो ये हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस साइड लग रही थी वो इधर लगने की जगह अब इधर लगने लग जाएगी, क्योंकि अब गाड़ी की क्या टेंडेंसी हो जाएगी, स्लिप करने की टेंडेंसी हो जाएगी बाहर की डायरेक्शन में, क्योंकि आप जैसे भी देखें कोई भी आप चीज़ रोटेट करते हैं तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, बाहर की तरफ जाने की, ठीक है। तो अब ये इतनी इसकी वेलोसिटी हो गई है हमारी गाड़ी की कि इसकी टेंडेंसी हो गई है बाहर की तरफ जाने की, तो अब जो एफ लगेगा वो अंदर की डायरेक्शन में लगेगा। अब मैं आपको इसका दूसरा केस समझाता हूँ। अब ये सेकेंड केस है जब हमारी फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगनी स्टार्ट हो जाती है,
तो अब हम इसको वही रिजॉल्व करेंगे, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ कॉस थीटा, ठीक है, नीचे आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो वही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनाएंगे। आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बताया कि इस फोर्स की वजह से एम वी स्क्वायर बाय आर आता है, एम इंटू ए, ए वी स्क्वायर बाय आर है, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर एंड एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। अब अगर आप मतलब इन दोनों जनरली जो आपको क्वेश्चन दिए होंगे वो इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएंगे, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो जनरली क्या होगा कि आपको या तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी होगी, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी होगी, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी होगी, या फिर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। दो इक्वेशन है। अब ये होता है कि दो इक्वेशन होती है तो दो अननोन होने चाहिए, तो वो सॉल्व हो जाते हैं। अब इसके अंदर अननोन आपको जब क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या अननोन होंगे, एक तो एन तो अननोन होगा ही होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ थीटा अननोन होगा या फिर एफ अननोन होगा या फिर वी अननोन होगा। तो अब जब भी देखें अगर आपको कोई भी इक्वेशंस आपने बनाई हैं और आपको दो या तीन चीज़ें अननोन है या दो या तीन चीज़ें निकालनी हैं तो आपकी उतनी ही इक्वेशन बनेगी। जैसे यहाँ पे दो अननोन होंगे तो दो ही इक्वेशन बनेगी, अगर आपके यहाँ पे तीन अननोन होते तो एक इक्वेशन और बनती, हमको एक और कुछ चीज़ दी होती जिससे हमारी एक और इक्वेशन बन जाती। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान दें तो आपको दोनों केसेस को, जैसे केस वन में मैंने आपको बताया कि एफ ऊपर लग रहा है और केस टू के अंदर एफ नीचे लग रहा है, तो आपको दोनों केसेस के अंदर अलग अलग एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से एफ की वैल्यू निकालेंगे इस बेसिक फॉर्मूले से, इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके, तो आपकी वैल्यू एफ की नेगेटिव या पॉजिटिव आएगी। अगर नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब है कि एफ जो लग रहा है आपका ऊपर की डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, ये होगा इन केस इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, तो एफ आपको पता चल जाएगा, आप क्वेश्चन में लिख देंगे कि एफ ऊपर की जगह लग रही है। और अगर इस इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एफ की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में लग रही है।